सनातन पर जारी घमासान के बीच पीएम मोदी ने मंत्रियों को सख्त निर्देश दे दिए हैं। सूत्र ये बता रहे हैं और सूत्रों के हवाले से खबर ये कर दी है कि पीएम ने बुधवार को मंत्रियों के साथ एक बैठक की, जिसमें उन्होंने सभी मंत्रियों से बातचीत की है और मंत्रियों को सनातन धर्म विवाद पर तथ्यों के साथ बोलने के लिए कहा है। यानी साफ है कि उदयनिधि स्टालिन के बयान पर सरकार संजीदा है, गंभीर है इस मामले को लेकर, और इसे देश को बदनाम करने की साजिश के तौर पर भी देखा जा रहा है और इसका हिस्सा बताया जा रहा है। पीएम मोदी ने बकायदा एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में एक एक मंत्री से बात करके कहा कि सनातन धर्म को लेकर पक्ष रखना जरूरी है। उदयनिधि स्टालिन ने जो बयान दिया, हालांकि उस बयान के बाद ना उन्होंने सफाई दी ना ही उन्होंने माफी मांगी। हालांकि कई पार्टियों के, उनके जो सहयोगी पार्टी है, उन्होंने भी कहा कि आप इसमें माफी मांग लीजिए। इस बयान को लेकर अब जो राजनीति हो रही है और जिस तरीके से मामला आगे बढ़ रहा है, उसको देखकर आप ये बिल्कुल कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में एक एक करके ना सिर्फ तमाम मंत्रियों की तरफ से, आने वाले वक्त में हो सकता है कि प्रधानमंत्री भी अगर किसी मंच से बोले तो इस मुद्दे पर जरूर अपनी बात रखेंगे। सनातन धर्म पर विवादास्पद बयान देने के मामले में उदयनिधि स्टालिन और प्रियंक खड़गे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दोनों के खिलाफ उत्तर प्रदेश के रामपुर में एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि दोनों ही अपने रुख पर अड़े हुए हैं। उदयनिधि स्टालिन ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। उदयनिधि ने साफ कर दिया है कि माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता। वहीं प्रियंक खड़गे भी अपने बयान पर कायम है। Request of apology. Somebody's apology to me. They're demanding your apology. तो उत्तर प्रदेश के रामपुर में दोनों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है। सनातन पर विवादास्पद बयान देने का ये मामला है। धार्मिक भावनाओं को भड़काने का उनके ऊपर आरोप है। हालांकि उदयनिधि स्टालिन और प्रियंक खड़गे दोनों ही अपने बयान पर कायम हैं और उन्होंने माफी मांगने से इनकार भी कर दिया है, लेकिन इस बीच कार्रवाई उन पर हुई है। दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। दरअसल उदयनिधि स्टालिन ने सबसे पहले विवादित बयान सनातन को लेकर दिया था। सनातन पर मचे घमासान पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बयान सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि हमारे धर्म और विश्वास को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। ये भी सत्य है कि आज कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे सनातन धर्म को चुनौती देते हैं कि नेस्तो नाबूद कर देंगे। आज अगर यहाँ का वो नजारा देखते तो उन्हें समझ आता कि प्रभु जो कहते हैं संभवामि युगे युगे, ये वो भक्त हैं जो हर युग में धर्म को, आस्था को और आस्था के हर प्रतीक को जीवित रखते हैं। स्मृति ईरानी को आप सुन रहे थे और उसके पहले स्टालिन के बेटे को भी हमने आपको सुनवाया, प्रियंक खड़गे को भी सुनवाया। सीधे सीधे कहना है माफी नहीं मांगेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी बात जो निकलकर सामने आई है, पीएम मोदी ने बकायदा एक मीटिंग की है। मीटिंग में सभी मंत्री शामिल थे, सबको सख्त निर्देश, जवाब दीजिए सनातन के मुद्दे पर। और वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी सनातन धर्म को चुनौती देने वालों पर पलटवार किया। समाप्त करने वाला कोई भी व्यक्ति अभी धरती पर पैदा नहीं हुआ। सनातन धर्म को समाप्त करने वाला कोई भी व्यक्ति अभी धरती पर पैदा नहीं हुआ। बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने कहा कि सनातन सदियों से हमारी परंपरा का हिस्सा है, हमारे संस्कार में सनातन है, हमारे रगों में सनातन है और इसे खत्म किसी भी सूरत में नहीं किया जा सकता है। सनातन हमारी आत्मा है, हमारा शरीर है। सनातन को लेकर हम जी रहे हैं। बाल्यकाल से लेकर बुढ़ापे तक हम सनातन में मोहित रहते हैं और अपने बच्चों को आने वाले समय के लिए संस्कार भी उसी प्रकार का देते हैं। सनातन एक प्राचीन परंपरा है जिसके अनुसार धर्म है, जिसके अनुसार हम जी रहे हैं और पूरे देश को हम ज्ञान दे पाए हैं। इसको मिटाने के लिए अनेकों अनेक लोगों ने प्रयास किए हैं, लेकिन वो मिट गए हैं, लेकिन सनातन अपना उसी प्रकार से चिरस्थायी खड़ा हुआ है।
जिसके बाद पुलिस ने उन बदमाशों को हिरासत में लेने के बाद उनका बीच बाजार में जुलूस निकाला और फिल्मी गाने पर उन आरोपियों को उठक बैठक करा दी। सामने आए उस वीडियो में वो बदमाश कान पकड़कर परेड करते नजर आए और वो सभी माफी मांगते दिखाई दिए। आरोप है कि 5 दिन पहले एक जन्मदिन की पार्टी के दौरान चाकूबाजी की वारदात हो गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उन आरोपियों की सरेआम परेड निकालकर उनसे उठक बैठक करा दी। इस दौरान वहां आसपास के लोग अपने घरों से निकलकर उन बदमाशों को देखने लगे।